कोफ्ते बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्याज, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 अदरक, 1/2 चम्मच राई, 8 से 10 टमाटर की प्यूरी। इसे हम मिक्सर में एकदम बारीक ग्राइंड करेंगे। इसके लिए लौकी को किसके मैंने इसके मोटे मोटे से ऐसे बीजे निकाल लिए हैं। ठीक, लौकी को थोड़ा दबाकर इसका हम रस भी निकाल लेते हैं। सूती कपड़े में बांधकर या फिर हाथ से दबाकर भी आप लौकी का रस पूरा निकाल सकते हैं। ये देखिए लौकी दबा के इतना पूरा रस निकल गया। आप चाहें तो इसे फेंक दें। अभी लौकी में हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, 1/2 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, सूखा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, चुटकी भर हींग, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 जीरा। इसे अच्छी तरह से हम मिला देंगे। पानी हमने लौकी का पूरा निकाल लिया था, लेकिन फिर भी इसमें इतना पानी बच जाता है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोफ्ते का मिक्सचर अच्छी तरह से मिल गया है। अब आप हाथ पे तेल लगा के जितनी बड़ी साइज़ की आपको कोफ्ते पसंद है आप उतनी साइज़ की बॉल बना लें। कढ़ाई में तेल गरम करके कोफ्ते की बॉल को डीप फ्राई करें। पूरे हम इसे निकालेंगे। तेल गरम करके हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज लहसुन का पेस्ट, सुनहरा होने पर टमाटर की प्यूरी, प्यूरी थोड़ा पकने पर 1/4 टीस्पून हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक स्वादानुसार। ये भी भूनने के बाद 1 चम्मच गरम मसाला। साथ ही हम डालेंगे पानी। अब इसे 5 से 7 मिनट उबलने देते हैं। बॉइल होने के बाद हम डालेंगे इसमें कोफ्ते। और हरे धने से इसे गार्निश करेंगे। लीजिए लौकी के कोफ्ते की सब्जी तैयार है।